ड्रामा सीरियल तकब्बुर की लास्ट एपिसोड नंबर 24 में क्या होगा जानिए इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड नंबर 24 लास्ट एपिसोड ड्रामा सीरियल तकब्बुर में आप लोग देखेंगे कि जैसे ही पता चलेगा आरेज को कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और वो बहुत ही जल्द मरने वाला है, तो वो कोशिश करता है कि मैं जो है वो मुकद्दस को धोखा दूँ ताकि मुकद्दस का दिल मेरी तरफ से जो है वो मैला हो जाए और मुकद्दस को मुझसे प्यार ना हो और वो अपनी ज़िंदगी मेरे मरने के बाद अच्छे से गुजार सके। इसलिए वो जाता है मुकद्दस के पास और कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया था, मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया कि जो तुमने खुला के पेपर्स पर साइन किए थे मैं उसका बदला ले सकूँ। जी हाँ, तो जब ये बात वो सुनती है तो उसकी आँखों में देख लेती है मुकद्दस और अरेज का हाथ पकड़ती है और अपने जो है वो सर पर रख देती है और कहती है कि तुम कहो कि तुमने ये सब कुछ अपनी अना के खातर किया है, अगर तुम जो कह दोगे तो मैं मान जाऊंगी। जिस पर रोने लग जाता है आरेस और वहीं पर गिर जाता है बेड पर और कहता है अपनी बीवी मुकद्दस को कि मैं जो हूँ बहुत ही बची कुची सांसें मेरे पास रह गई हैं, मुझको ब्रेन ट्यूमर है और मैं मरने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे ही ख्यालों में गुम रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी किसी अच्छे इंसान के साथ जो है वो अच्छे से गुजारो, इसलिए मैं चाहता था कि तुम जो हो मेरी तरफ से बजन हो जाओ। जी हाँ, ये बात जब पता चलती है उसकी बहन ईमन को कि आरेज को ब्रेन ट्यूमर है और वो मरने वाला है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। उधर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है आरेज को, जब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है आरेज की तो डॉक्टर जो है वो बताते हैं कि अरेज का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उधर मुकद्दस अरेज के पास जाती है हॉस्पिटल में और वहाँ पर रोने लग जाती है और दवा करने लगती है कि काश के अरेज बच जाए और हम ये ज़िंदगी दोबारा से जिएं। आपको क्या लगता है नाजरीन कि क्या लास्ट एपिसोड में आरेज बच जाएगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, तो आरेज बिल्कुल नहीं बचेगा और वो मर जाएगा और यूँ जो है वो मुकद्दस आबिद से शादी करके ज़िंदगी गुजारेगी। आपको ये लास्ट एपिसोड ड्रामा सीरियल तकब्बुर की कैसी लगी अपनी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।